पसंद कर रहे हैं तो हो रहे हैं शर्माए का बताओ तो बोलते मैं नहीं कर रही। अच्छा से पूरा कोना कोना घसना रामू। तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान शबाने के ब्लॉग में। ब्लॉग में तो आज नया ब्लॉग ये चालू कर रहे हैं कि घर का काम तो चलता रहेगा, वो वीडियो मैं आज डाल चुका हूँ। तो आज ये कुछ सुकून मिल गया ना कि काम इधर रुक गया है ना, आज फाइनल हो गया ना, कल फाइनल हो चुका है। तो आज ये बोले आज मैं पका लेती हूँ, तो क्या बना रही है खुद ही बताएगी अपने मुँह से। चिकन बास्केट जो बच्चे लोग बहुत है कहती है आपने मतलब बना के खाए तो उसकी रेसिपी नहीं डाल रहे थे, तो उसकी रेसिपी अच्छे से डालो। और चिकन चीज़ी कटलेट बना रही हूँ। यस ऐसा बना रही है ऐसा कब करी मैंने, बोले अच्छे बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ। हाँ तो वो बनाएगी तो मैं क्या तैयारी करेगी तो मैं आप लोग को तो दिखाई दूंगा, फिर आप लोग बना के खाएंगे, वो हमको तुम नहीं दिखाओगे कमेंट्स में बोलेंगे है ना। आप लोग हमारी वीडियो ज़्यादातर देख रहे नहीं, बच्चे लोग शायद अभी बिजी है और बड़ी बड़ी रातें आ रही है, प्लीज़ हम लोग सबके लिए दुआ करो, हम लोग भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। बस दुआ का सिलसिला चलता रहे और दुनिया ऐसी आगे बढ़ते रहे। अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले, किस वक्त कोई भरोसा नहीं। तो अभी घर का काम भी हो रहा है तो थोड़ा सा जो सा होता जाएगा वैसा आप लोग को बताते भी जाऊँगा, और इंशाल्लाह भी जो तैयारी कर रहे थे वो भी बताते हैं। बहुत पसीना देखो, चल जल्दी कर। चलो अभी तुमको बताते हैं। तो शॉप की तैयारी चालू हो चुकी है और वो बना रही है पहले कटलेस, कौन से कटलेस, चिकन चीज़ कटलेस जो तुम लोगों को बहुत पसंद है, चीज़ निकाल निकाल के खाना और पिघला पिघला के खाना है ना। यस तो मैंने सब यहाँ पे निकाल के सब सामान रख दी हूँ, जैसा ईफू बताते हैं कि मछली गई है अंदर पेट के अंदर क्या क्या डायलॉग मारते क्या पता, तो आओ बताती हूँ। देखो अपने यहाँ पे एक कटोरा मैंने चिकन ली हूँ, उसके आधा कटोरा मैंने ब्रेड क्रम्स ली हूँ, और एक कटोरा मैंने आलू क्रश करके बॉयल करके क्रश कर ली हूँ। इसमें जाएगा मेयोनीज 2 चम्मच और एक चीज़ जाएगा इसके अंदर, जितना चीज़ चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। और उसमें मसाले जाएंगे, ब्लैक पेपर जाएगा आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्ची आधा चम्मच, नमक अपने हिसाब से, और चाट मसाला आधा चम्मच, और 1 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच चिल्ली सॉस और आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। अब ये सबको अपन मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसकी कटलेट बना के डुबा के करेंगे। चलो मिलाते। ये डाले अंदर चिकन, चिकन खाई पी ली घर की नहीं लगती, सूखी सूखी लग रही है। इसके अंदर जाएगा आलू, ये है बड़ा चालू, और जाएगा ब्रेड क्रम्स, और जाएगा मेयोनीज, और इसमें सब मसाले जाएंगे, लास्ट में अपन चीज डालते हैं, है ना। नमक कम डालना वापस से क्योंकि चीज में भी नमक रहता है, नमक कम ही देगा अच्छा लगेगा। अब प्रेशर भी अच्छा रहता है। किसका प्रेशर, किसका हाई होगा तो नमक से हाई होगा ना। मैं बोली बोली मुर्गी का प्रेशर है। पागल पागल पागल, ये सबको अच्छे से मिलाना हाथ धो के। हाथ धो ही नहीं देते समझे ना, पकाने के टाइम पे हंसो मत ज्यादा। देखो ये माशाल्लाह पूरा मिक्स कर दिया, उसके अंदर चीज मिलाने का, रुको ये पूरा अच्छे से पूरा मेल्ट हो गया मस्त। इसका तुम बॉल भी बना के खेल सकते हो ऐसा हो गया। नहीं इसके अंदर तुमको है ना वेजिटेबल मिलाने के, नहीं खुरच के डालूंगी। तो अभी मैंने इसमें चीज भी मिला दी हूँ, आपको वेजिटेबल्स चाहिए तो डालो, मेरे इफू ने मना करे बोले ज़्यादा वेजिटेबल्स मत डाल, बिना वेजिटेबल्स का अच्छा लगेगा, बिना रहेगा तो 4-5 खा जाऊंगा। क्योंकि हमारे घर में वेजिटेबल्स ना बहुत कम खाते, बहुत जान बोलते हैं आंटी चिकन के आइटम ही तुम बनाते हो वेज नहीं बनाते, तो हमारे घर में वेज बहुत कम खाते, ज्यादा कर लोग चिकन के आइटम, और रमजान में वैसे भी चिकन के आइटम होती है बहुत टाइम से। अपन ने बहुत टाइम से ना वो आलू के भजी है कांदे के भजी है, अभी वो खा के गैस हो जाएगा, वो तो चखे ही नहीं है कोई रमजान में यार। बनाऊंगी इंशाल्लाह वड़े बनाने करोगी तो कल हो जावे। हाँ इंशाल्लाह चलो कल बना ले। चलो ठीक है, क्या बनाना है, वड़े वड़े आलू के भजिए कांदे के भजिए, ओह माय गॉड, पकोड़ा पकोड़ा गुलगुले। तो कल ये सब आइटम बनेगी खास मेरी फरमाइश पे, और फायदा होगा बोलते ना? और फायदा होगा तुम लोगों को, बच्चों की फरमाइश पे बनाते हैं, तो देखो आज अंकल पकाने वाले हैं। अभी कल मैं बनाऊंगा रियल नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, मैं कब से मैं वीडियो बना रहा था, मैं पका के भी दिखाऊंगा। नहीं 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 भाई नहीं, रमजान बाद। चलो ठीक है, फिर रमजान बाद में आप लोगों को बताऊंगा। अब बारी आ गई चिकन बास्केट की, जो शेफ तैयारी चालू कर चुकी है, इसमें भी शायद मेरे चिकन ही है,
सब जगह चिकन 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 बास्केट हाँ तो इसमें भी चिकन है और ये इतनी तैयार रहती है उसी फुर्ती में फटाफट कर भी डालती क्या मालूम क्या है इसके अंदर एक वो है माशाल्लाह अच्छी औरत है माशाल्लाह माशाल्लाह तो क्या कर रही है फुर्ती में रहती है सुस्त हो जाता है अच्छा ज्यादा पावर जान देते दूसरा बता ये देखो यहाँ पे मैंने इसकी चिकन के आप वही रेशे करके रखी थी और इसकी देखो ये वाली बास्केट है देख लो नहीं तो बोलेंगे आंटी आपने बताया नहीं क्या है क्या है ये वाली बास्केट को ना फ्राई करने का और उसके अंदर भरने का हाँ तो इसमें लगेगा अपने को टमाटो सॉस ली मैंने एक ही कटोरी भर के इसमें ना रेड चिली पाउडर और फूड कलर दोनों मिक्स कर दी हूँ मैंने और इसमें नमक लगेगा सोया सॉस लगेगा आधा चम्मच और एक चम्मच लगेगा अपना रेड चिली सॉस अभी इसमें तेल थोड़ा सा तेल डालने का और इसके अंदर अपने को चिकन डाल देने का थोड़े तेल में ज्यादा चिकन यस थोड़ा सा इसको सॉटे करें अच्छा तो इंग्लिश में तो नहीं समझ देते होंगे इसमें डालेंगे सोया सॉस ऐसे निकाल मोस यस निकाल रही हूँ ना कोई चीज वेस्ट नहीं चाहिए चलो ये अभी डालेगा चिल्ली सॉस टमेटो सॉस अच्छा खट्टापन आना चाहिए नहीं जो भी डालोगे हाथ में तो हाथ धो के डालना तो तुमको बता के डालेंगे कि हाँ देखो अंकल हम लोग हाथ धो के डाल रहे हैं नमक अब सबको ये सबको मिला देना मिक्स कर देना यस बहुत टाइम से भाई बहन मिले नहीं थे चलो ठीक है तो ये पूरा बनने के बाद फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो मसाला मिल चुका है गैस पे गरम हो चुका है तवे से उतरना चाहते हो लोग क्योंकि गर्मी ज़्यादा तो हमको चटके ज़्यादा लग रहे अब उतार लो है ना बहुत हालत ख़राब हो गई जो बाहर काम करते लोगों क्या हाल होगा देखिए हाल होता ना चलो देखो ये ना हो गया इसको अपन ऐसा सूखा थोड़ा कर देंगे सॉसेज सब पक जाएंगे अच्छे से फिर इसके अंदर अपन चीज़ खुरचे ये बासी को तलेंगे फिर इसके ये डालेंगे और उसके ऊपर चीज़ खुरच के और टमाटो सॉस डाल के खाएंगे वो तो बताएंगे जरूरत नहीं खाएंगे तो ऐसी खाएंगे मालूम है नहीं बता रही खाएंगे तो मालूम है खाएंगे मिस कर रहे और जैसे बास्केट में चाहिए तो उसे निचोड़ के भी खा सकते हो ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे ऊपर जैसा खाना वैसा खा सकते हो है ना बोले अंकल का हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं रमजान में अंकल बता रहे नहीं खाते हुए अंकल बहुत अच्छे लगते हैं चलो तो थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया ये हम लोग पसंद कर रहे हैं तो ये आदमी को बोल रहे देखने के लिए पसंद कर रहे हैं तो बोल रहे की शर्मा का बताओ तो बोलते मैं नहीं पिंक करेंगे क्या करेंगे ना आप अपने से चूज करवाएंगे जब बाद में कुछ होगा तो अपने पे नाम डालने को चाहिए ना इनको तुम लोग की वजह से हुआ मैं जब भी कुछ काम करा मैंने कभी इंटरेस्ट लिया कभी सब यही करके मैं कुछ नहीं करता तुमको ना अपना आप पे इल्जाम देने की आदत नहीं मेरे बाबा अभी क्या करना है बता दो देख मैं अच्छा भी करने आता तो बुरा ही होता है ऐसे में करता है तो गाइस पलंग हमारा हमारे जगह पे आ चुका है बहुत खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत माशाल्लाह एक नंबर लग रहा है और सब उसको बिस्तर से लगा रही है झटक टक के सब कर रहे लिए है ना सब कैसा लग रहा है जब बिस्तर अपनी जगह पे आ गया अपना घर घर हुआ है ना कल किचन में सो कैसा लग रहा था बाप रे बाप क्या बताऊं मिला है ना सब हालांकि मैं तो सो गया था तू इतनी सोई लेकिन ये देखो हमारा बिस्तर अभी ये थोड़ा पलंग गंदा है नीचे से अभी मैं उसको पोछूंगा पूरा मैं आप लोग को दिखाता हूँ हाँ तो पहले पोछ ले हाँ उसको फिलहाल का पानी मारे चलो जल्दी साहब को तुम्हारा लप पर पीठ पूरी धूल धूल वाली हो गई फू अच्छे से पोछो पूरा अब रामू नहीं हो घर का मालिक हूँ तो पोछो क्या चलो चलो साहब तुम चमका देना वाह 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 चमक रहा है बिफोर देखो फिर आफ्टर देखेंगे अपन पूरा साफ कर अच्छा से पूरा कोना कोना घसना रामू रामू नहीं पूरा शर्ट तुम्हारा खराब हो गया है फू ये पूरा ऊपर भी सब साफ करना देखो ऊपर भी कितना गंदा है हाँ चमक गया एकदम नया नया लग रहा है कि नया पलंग मेरा अब ये पलंग भी निकाल पलंग भी निकाल दूंगी अरे बेटा एक दिन तुम्हें कोई घर से निकाल लेगी लगता है बाप रे बाप पलंग निकाल दूंगी ये निकाल दूंगी तो कुछ तो रहने दे सोफा लेंगे ना अभी बेडरूम बनाएगी तो पलंग की क्या जरूरत है बेडरूम बाबा देख देख किडनी कोई बिकती हो तो किधर होती किडनी कुमारी को लेगा किडनी लेगा वो मर जाएगा किडनी नहीं किडनी किडनी की बात ही कर रही हूं मैं जो लेगा बेचारा वो मर जाएगा बल्कि क्या लेंगे गाइस हम लोग उधर इस तरह से पहले
जो हम लोग बना रहे हैं, जो सरप्राइज है, शोकेस जो बना रहे हैं, आप लोग को देखने मिलेगा इंशाल्लाह। देखना पूरा कंप्लीट होने के बाद और जब देखोगे तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। अभी मजा नहीं आएगा, दिखा रहे हैं हम लोग। अभी जब जैसे जैसे काम चालू होता है हम तुम लोग को बताते रहेंगे। अभी थोड़ा शॉर्टेज भी है, जैसे जैसे पैसा आते रहेगा इंशाल्लाह। है ना, ये मैं इसलिए साफ कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरी भी छोटी बेटी आएगी इधर लेटेगी। अच्छा, तो कुछ काटे हुए नहीं इसके लिए। चलो चलो, हाँ हाँ, इसके लिए देखो तो कोने में भी है, इधर इधर रिफू, इधर कोने में भी है। तू खाली बैठे ना, ऑर्डर दे, ऐसा नहीं कि चलिए आवे खुद भी करे। मेरे को जो करने का मैं वो कर लेती, समझे ना, हो गया ना बस। चलो चलो, अभी कटलेट्स की बारी आ चुकी है फ्राई होने की, और शब उसको पूरी तैयारी कर रही फ्राई की, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि कैसा फ्राई कर रही। देखो बेचारी कैसा करने जा रही है, देखिए दिखाऊंगा नहीं, चल जान दो, दिखा देता हूँ क्या होती है। बेचारी बेचारी मत बोलना, समझे ना। अच्छा, ओ हो, क्या एक्टिव बोली, बेचारी नहीं हूँ। चलो देखो, ये अंडे तो कुंवारी है। चलो इसको ऐसा लिए, ब्रेड क्रम्स नहीं लगाई मैंने, बोले बिना उसके अपन जो बाहर खाते ना वैसे ही पूरे लगेंगे। ये है कटलेस, और जो तुम को बने मेरे कटलेस वाले बोलते थे, शायद रशियन कबाब को कटलेस बोलते थे, वो मेरे रशियन कबाब थे। अच्छा, ये कटलेस, इसको कटलेस बोलते थे बाहर खाते ना तुम कबाब वाले, क्या जो पाँव में देता हूँ, चिकन कटलेस। तो चलो, ये फ्राई हो रहा है, होने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसा बना है क्या नहीं। उसके बाद है बास्केट, है ना, तो आप दिल थाम के बैठिए, खरीदी करने के लिए तैयार हो जाइए कि बास्केट में पैसा आपको डालना है। चलो, तो अब बारी है चिकन बास्केट की, जो फ्राई करने जा रही है शब, उसकी भी तैयारी या हम कर चुकी है वो, और ये मेरे को खिला खिला के मोटा कर ही देगी मेरे को लगता था। ऐसी ऐसा बना बना करती है मस्त, तो खाने का मन हो ही जाता है। क्या बना, हो गया तैयार? हाँ, मैंने ना चिकन को ना गरम कर रख दी, जो अपन बना के रखे थे ना सॉस वाली, वो गरम करके रखी, और जो चिकन बाकी है उसमें तलेंगे, तल के निकालेंगे, इसमें एक बाजी डालेंगे और चीज डालेंगे और खाएंगे, सॉस में टमाटो सॉस डालेंगे। अच्छा, तो यूं मुंह में उंगली डाली तो मैं क्या करूँ? चलो देखो, इसको लिए अंदर, ऐसा तेल में तलने का, हल्का नहीं तलने का, ज़्यादा नहीं तलने का, बस खराब हो गया टूट गया। हाँ बस हो गई, पहले थोड़ी थोड़ी कच्ची रहती है ना, ऐसी दोनों थोड़ी कच्ची रहती है, तो उसमें पड़क हुआ ना, ऐसा कर लेंगे। अगर चलो बस ये बता दें, बड़ी कढ़ाई रहेगी तो ज़्यादा भी डाल सकते, कभी समोसे वमोसे साथ में तलते हैं तो उसमें डाल देगा, मेरा भी फ्राई पैन छोटा है ना, तो मैं एक ही चीज़ में डाल दूँ। ये इसको लिए और इसके अंदर रखे, इसके अंदर अपन ना चना चना लगड़ा होता है ना वो भी रख के खा सकते हैं, सब रख के खा सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी चना बना के आस पड़ोस के पड़ोसी भी खा सकते हैं। चलो दादा मेरी उड़ाओ मत, ये रखे, इसमें डालेंगे चीज। यस, इसके ऊपर अपन चीज फूचेंगे, तुम भी बोलो चीज। ये देखो मस्त हो गया माशाल्लाह, ये अपनी दो डिश रेडी हो गई। तो ठीक है, ये रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा, खाता हूँ इसको कैसा बना, मैं आप लोग को बताता हूँ खा के, क्योंकि इंस्टाग्राम में उन्होंने नहीं बनाया था, खजूर से खोल के रख देते हो, या क्योंकि वो सामान भैया लोग आ गए थे, पूरा सामान उतार रहे थे, उसमें अजान हो गई, पता भी नहीं चला, फटाफट खजूर खाए, पानी पी लिए, फिर मतलब तल दे, फिर अपन खा के उसको बताते कैसा बना, तो आप लोग को मैं बताता हूँ, है ना शॉप। क्या बोलती है, सामान की वजह से अपन रह गए ना, सामान की वजह से मन रह गया, तो अभी हम लोग खा रहे, फिर बच्चे लोग आएंगे तो फिर तलेंगे। ठीक है, चलो। तो शॉप ने इतनी मेहनत करके बेचारी ने बनाई, क्या बोलूँ मैं, थकी मारी भी थी, कंटा लग रहा था उसको, थकन भी थी, लेकिन फिर भी उसने बनाई मेरे, तो उसके लिए मैं आपको खा के दिखाता हूँ, ये देखिए। तुमने चिकन बासी क्यों खाया पहले, कटलेट्स क्यों नहीं खाए? डायब भूल जाता ना। चलो कटलेस, कटलेस खा के कैसी बनी चिकन बास्केट, एक नंबर है। मेरी कोई चीज़ ख़राब होती है माशाल्लाह, एक नंबर बनती है और बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी ट्राई कीजिए और खाइए, सॉस इसमें से ले लेता। अच्छा बना है, और पाँव में डालते ना, हाँ वैसा है पेन,
और ये देखो माशाल्लाह, चलो मैं भी खाती हूँ, भगवान बहुत भूख लगी है, बहुत टाइम हो गया सफाई करते करते। तू भी खाती हो? दिखाई नहीं, मैं नहीं दिखाती। चलो फिरो। ओह माय गॉड, फालूदा फालूदा पूरा कंप्लीट करोगे? मतलब कंप्लीट इस तारीख का सर भी उतारूंगा। चलो वीडियो एंड कर दो, तो मैं यही ब्लॉग एंड करता हूँ। आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बटन दबाओ। नहीं दबे फिर भी दबाओ। टिंग टांग।